नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सूचना वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषण कितना फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आज मैं पोषण से ही संबंधित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और मनरेगा और आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही बढ़िया ये सूचना लेकर आई हूँ। इसके आधार पे उनकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, आसपास के स्वास्थ्य जितने भी हैं, इनके द्वारा ये पोषण वाटिका लगाया जाएगा और इसमें ये काम करके बहुत ही अच्छी आमदनी कमा पाएंगी और स्वास्थ्य को अपने स्वच्छ भोजन से स्वस्थ रह सकेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विकसित होंगे 100 आदर्श पोषण वाटिका। जी हाँ दोस्तों, 100 आदर्श पोषण वाटिका विकसित होंगे। सहारनपुर जिले से निकलकर आया है कि 100 आदर्श पोषण वाटिका विकसित की जाएंगी, जिसमें फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे और सब्जियों की खेती भी होगी। बाल एवं पुष्टाहार विभाग की देखरेख में इस कार्य को मनरेगा में शामिल किया गया है, ताकि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार मिल सके। पोषण वाटिका से तैयार फल व सब्जी को पोषित बच्चों के परिवार को उपलब्ध कराई जा सके। जनपद में 3410 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 310 जगहों पर पोषण वाटिका बनाई गई थी, लेकिन अब इनमें अलग आदर्श पोषण वाटिका बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हर तरह के फल के पौधे लगाए जाएंगे और प्रत्येक पौष्टिक सब्जी की खेती होगी। दोस्तों, आप लोग जान ही रहे हैं कि आज के ज़माने में, आज के समय में कितने आप फल जो खाते हैं उसमें भी कितने केमिकल डाल के बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। सब्जियां बिना केमिकल के नहीं हो रही हैं, लेकिन आप अगर इन सब्जियों को खेती करेंगे तो आप घर का देसी खाद डालेंगे अन्य और इसे पौष्टिक बनाएंगे और आपको ताज़ी हरी सब्जियां खाने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह पोषण जो वाटिका है, इसलिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इन 100 पोषण वाटिका को मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना है। बाल एवं पुष्टा आहार विभाग, आंगनबाड़ी, मनरेगा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं श्रमिकों के सहयोग से पोषण वाटिका का निर्माण करेंगे, लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो पौधे लगाए जाएंगे, यह हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों में कुपोषण और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को दूर किए जाने का उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो अक्सर देखा जाता है उसमें खून की कमी हो जाती है। अगर वो इन ताज़ी हरी सब्जियों को खाएगी तो इनकी कमी को दूर, एनीमिया की, खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इसी के उद्देश्य से यह पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। पोषण वाटिका में कटहल, पपीता, सोयाबीन, सहजन, पालक, शलजम, टमाटर सहित अनेक हरी सब्जियों की खेती होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पपीता हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। सोयाबीन भी प्रोटीन से भरपूर होती है। पालक में आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सहजन और कटहल भी इसी तरह से अनेक गुण होते हैं इसमें। शलजम, टमाटर, सोयाबीन, ये सारी सब्जियां जो हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, इसीलिए इनकी हरी सब्जियों की खेती होगी। इसके अलावा आम, अमरूद, केले, नींबू और टमाटर के पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ औषधियाँ के पौधे भी लगाए जाएंगे कि योजना चलाई जाए। जी हाँ दोस्तों, फल सब्जियों के साथ साथ कुछ औषधियों के भी योजना चलाई जा रही है। उद्यान विभाग पौधे उपलब्ध कराएगा। जी हाँ दोस्तों, आदर्श पोषण वाटिका
बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 100 पोषण वाटिका का विकसित करी जाएगी, इसको लेकर खाका तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह सूचना मिला है जिला अधिकारी द्वारा। तो दोस्तों, ये पोषण वाटिका आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और फलदार पौधे इसमें रोपित किए जाएंगे, सब्जी रोपित की जाएगी और कुछ औषधि के पौधे भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में डॉक्टर के पास जितना हम खाते नहीं हैं, जितना खाने पे खर्च करते हैं भोजन में, उससे ज़्यादा हम डॉक्टर को दे आते हैं। इससे अच्छा है कि आप शुद्ध सब्जियां खाएं, केमिकल के बिना वाली, और फल घर का ताज़ा फल खाएं। तो दोस्तों, इसलिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। और आप लोग स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, मनरेगा और आंगनबाड़ी की बहनें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि वो इसमें अपनी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें, उनका आर्थिक स्थिति भी सुधरे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे हमेशा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।